गुड मॉर्निंग। तो आज की शुरुआत हो रही है ये शानदार ग्रीन टी पीकर। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ। ये बन गई है टमाटर की चटनी। तो ये क्या है, बाटी के साथ में टमाटर की चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, दाल को सिंपल उबालेंगे और उसमें थोड़ा सा मसाले का छोक लगाएंगे और ये जो टमाटर वाली ग्रेवी है ना, ये उसके अंदर डालेंगे काइंड ऑफ। और ये ग्रीन पुदीना और हरे धनिया की चटनी बनके तैयार है। तो ये बन रहा है अब बाटियों का आटा और इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ी सी हल्दी, पिसी हुई सौंफ और थोड़ी सी साबुत सौंफ और हल्का सा एक चुटकी खाने का सोडा। तो ये देखो आपको जो हल्का हल्का सा कलर येलोइश दिख रहा है, ये उसी का दिख रहा है। और अब इसको बहुत देर तक यू नो इस तरीके से रगड़ना पड़ेगा। देखो ये दाना दाना आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। तो इसको रगड़ते हैं और बाटी का आटा बनाते हैं। वो जिसने सब कुछ बनाया है और अभी आपको दिखाती हूँ। थोड़ी देर पहले ही नहाई थी तो बाल थोड़े गीले हैं अभी। थोड़ा सा क्रेडिट लेने की कोशिश करते हुए, ये जो बाटी का कुकर है इस पर ये बाटी को पलट के दिखा रहे हैं आप लोग को, पता है? नहीं ऐसा नहीं बनाई है मैंने। हाँ, जैसे कि आप हर बार मेरे ऊपर आरोप लगाते हो। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं मैडम। वाओ यार लवली। और क्या क्या बन गया है? ये दाल इधर तैयार है इनकी वाली। तो ये सच चुका है दरबार आज दाल बाटी के लिए। ये देखिए, ये गोंदे का अचार, ये केर सांगरी का अचार, ये टमाटर की चटनी। तो आज का सुकून है इस दाल बाटी में। और ये देखिए, ये अब खाई जा रही है बाटी घी और चीनी के साथ, जो कि मैं एंड में जरूर खाती हूँ। तो मजा आ गया खा के। अबे कैसा लगा? बहुत अच्छा। शानदार। और अब बज रहे हैं 6:10। कैन यू इमेजिन, हम 3 घंटे सोए। वाह, 3 घंटे वो भी ऐसे एकदम गंदे वाले खराटे, ना गंदे वाले, वो मुँह से गंदे वाले खराटे ये ले रहे थे। बोला अभी भी सो रहे हो? तो जी अब बस चाय बनाने जा रही हूँ। इतना आलस आ रहा है ना, कल से स्कूल जो ना वापस। और आपको पता है ऐसा तभी होता है जब आप इतनी सारी दाल बाटी खा लो और फिर आपको जो नींद आती है ना, मेरी आँखें देखो आप कैसी हो रही है। हमने दाल बाटी खाई थी 3 बजे और अब टाइम हो रहा है, दिखाती हूँ। और ये जो आपको दिख रहा है, ये बेसिकली बन रहा है गोभी, मूली और गाजर। मुझे मेरे पास थी नहीं अभी, तो अभी मैं आपको भेजती हूँ लाने के लिए। तो ये मैंने ऐसे कट कर लिए हैं और इसमें पानी को हल्का सा बॉईल करके इसमें नमक डाल लिया है। अभी थोड़ी देर तक इसी में इस तरीके से रहेंगे और फिर इसको मुझे ड्रेन कर देना है ताकि इसका जो थोड़ा कच्चापन है वो दूर हो जाए। और फिर इसके अंदर सरसों का तेल और मसाले डालकर बन रहा है यम वाला अचार। और दूसरे नंबर का अचार बन रहा है ये आंवले का अचार। और ये मैंने अभी जस्ट कुकर में डाला है इनको वॉश करके, और इसमें लाइक इतना पानी डाला है और उसके ऊपर डाला है थोड़ा सा नमक। अब इसको बॉईल करते हैं, फिर इसके अंदर की जो सीड्स होती हैं उसको निकाल के इसका अचार बनाते हैं। तो आई थिंक सो आज मेरा संडे किचन डे होने वाला है। तो ये आपको धुआं उठता हुआ दिख रहा होगा इस पे से। तो बेसिकली ये मैंने व्हाट डू यू कॉल दैट, ब्लांचिंग, राइट? हाँ, कुछ वही। आवाज़ बहुत ख़राब है तो प्लीज़ थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये लाइक 30-40% मैंने इसको कुक किया है, बॉईल किया है। तो अब जो रेस्ट है वो सारा का सारा इस पे अचार के अंदर हम इसको प्रिपेयर करेंगे। तो इसको मैंने ड्रेन करके इस छन्नी में डाल दिया है और उधर आंवला मैंने बॉईल करने रख दिया है। तो आज बन रहा है ये दो टाइप के अचार, नहीं तीसरी टाइप का और बनेगा बेसिकली, वो बन रहा है कच्ची हल्दी का अचार। तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो तीसरे नंबर का अचार बन रहा है आज कच्ची हल्दी का अचार। तो इसको पूरा ऐसे पील करके इसके छोटे छोटे क्यूब्स कट करने हैं। ऑल दो एक दूसरे तरीके से और बनता है कि आप इसको इस तरीके से ग्रेट कर लो और फिर छोको। तो मैं पूछती हूँ अब ऐसे कि उनको किस तरीके का खाना है। और उधर वो आंवला देखो, उसने बता दिया है कि मैं लगभग होने वाला हूँ, तो बस इसको मैं काटती हूँ, पील करती हूँ। और एक इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज इसको बेटर है अगर आप कुछ प्लास्टिक वाले ग्लव्स पहन के करें तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज पूरे आपके हाथ पीले हो जाएंगे। कौन आया?
देखो ग्लव्स पहन के काटने का फायदा, ये सारा मैंने पील करके इन ग्लव्स को पहन के मैंने काटा। ये देखो कितनी अच्छे से कट गई है। और ये जो अचार है ना, आपको पता है लगभग पूरा एक साल तक खराब नहीं होता है। इसके छोटे छोटे हमने ऐसे क्यूब्स कर लिए हैं, और जैसे डालना है वो भी मैं आपको बताती हूँ जल्दी से। तो अब मैं बना रही हूँ ये अचार के लिए मसाले। इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, और राई डाल दी है, मेथी डाल दी है, सौंफ डाल दी है, और ये काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं इसको ड्राई रोस्ट करूँगी, इसमें तेल नहीं डालना है। और बस गैस ऑन करती हूँ एक मिनट, बिकॉज मैंने लाइक मेरी मम्मा बताती है कि हमेशा इस तरीके से खड़े मसाले अगर आप लाइक रोस्ट करके फिर पाउडर बना के डालते हो तो उसका टेस्ट बहुत ही शानदार आता है। और इसमें तेल नहीं डालना है, तो बस बाद में जैसे ये हो जाएगा फिर मैं तेल डालूंगी बाद में। और तेल तो अभी जैसे मैंने जो आपको सारे के सारे खड़े मसाले दिखाए थे उसको मैंने इस तरीके से पाउडर बना लिया है। बस अब मैं फटाफट से गैस पे तेल डाल लगाती हूँ। देखो दिमाग देखो मतलब मेरा लिटरली। तो अभी हल्का सा मैंने इसको तेल में इस तरीके से सरसों की तेल में कर लिया है। अब इसमें डालूंगी मैं ये 2 चम्मच ये देखो, ठीक है जी। अब आ जाएगी इसके अंदर लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा हींग, अरे वाह शानदार मजे आ गए देख के। तो ये बनकर तैयार है आज गोभी मूली का अचार। और अब ये दिन का दूसरा अचार बनकर तैयार है, जो कि आंवले का अचार। ये देखिए यम। और ये वाले अचार के लिए राई, नमक, हल्दी तो ऑलरेडी इसमें है, और ये थोड़ा सा वाइट विनेगर। अब बस इसके अंदर ये जो हल्दी के अपन ने क्यूब्स काटे इसको इसमें डाल देना, और ये पूरे एक साल तक खराब नहीं होता। और ये देखिए हम तो कल खाए आए थे लोकल, वो कहते ना गली वाले गोलगप्पे, बट ये नहीं खाएंगे तो इनके लिए आए हैं अभी हल्दीराम से गोलगप्पे। इतने टेस्टी अचार बनाने के बाद भी जना आपको गोलगप्पे खाने की इच्छा थी तो नो प्रॉब्लम, खाइए। तो बहुत तमीज से पैक करके देते हैं। ये आलू रखे हैं इसके, और ये मीठा पानी, ये खट्टा वाला पानी, और इसके अंदर है गोलगप्पे। तो फाइनली संडे ख़त्म हो गया, मैंने इतना सारा काम कर लिया, सफाई हो गई, सारी चीज़ें हो गई, और 3 तरीके के अचार बन गए, और दाल बाटी बनाई थी, और नोट्स बनाए मैंने अपने, क्लीनिंग कर ली, सारा काम हो गया। मेरी हो चुकी है हालत टाइट, तो अब सोने की तैयारी है बिकॉज सुबह स्कूल जाना है। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल, गिव मैक्सिमम लाइक, मैक्सिमम व्यूज, प्लीज शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कल मिलती है आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू सुपर सून, बाय बाय।